हमारे इंजन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं वाटर पंप। पूरे कूलिंग सिस्टम को सर्कुलेट करता है। यहाँ पे कूलेंट खोला है और यहाँ से वाटर पंप। एक बार नए वाटर पंप की प्राइस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जेन्यून है जेसीबी का, तो इसकी प्राइस है 4,565 रुपीज़। और एक बार आपको पुराना और नया एक साथ में रख के क्या क्यों चेंज करना पड़ रहा है और कहाँ से लीकेज है ये भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ दोनों के दोनों हमारे सामने है, ये है पुराना और ये है वाला है नया। तो ये वाटर पंप आखिर क्यों फेल हुआ है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में सेंटर पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक बुश कट के बाहर आया है, बुश और सील अंदर का। तो फिर व्हील की तरफ यहाँ से कूलेंट जा रहा है, ठीक है। अब नए में दिखाऊंगा आपको, ठीक से दिखेगा आपको। तो ये यहाँ से इसका कूलेंट लीकेज हो रहा था, यहाँ पे देखिए ये नया है बिल्कुल ठीक से है। तो इस तरह कैसे होना चाहिए अंदर का बुश, यहाँ पे बुश कटता है तो आपका जो कूलेंट है या वाटर है जो भी आप डालते हो वो बाहर आ जाएगा इस तरीके की, इसमें जैसे हुआ है। तो उस टाइम पे आपको वाटर का जो भी प्रॉब्लम है लीकेज का वो सॉल्व करने के लिए आपको वाटर पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। ये रिपेयर नहीं होता है अभी तक और हमने कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर सक्सेस नहीं हुआ काम और कूलेंट बहुत ज़्यादा लीकेज होगा तो आपका इंजन भी सीज हो सकता है। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते 4-5 हज़ार रुपये की वजह से। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके समझ में आए, आपको पता चली है वाटर पंप के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपका सलाह या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।